चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक के प्लांट से निकलने वाले कैलोमल यानी मरकरी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इसके निस्तारण के लिए बीते कई सालों से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ऐसे में आशंका है कि मरकरी उर्वरक के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंचकर उन्हें बीमार कर रहा है। उन्नीस में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने चंदेरिया प्लांट के विस्तार के लिए एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर्यावरण और वन विभाग भारत सरकार को सौंपी थी, जिसमें बताया गया कि कंपनी अपने चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर की कैपेसिटी को 4,20,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5,04,000 टन प्रतिवर्ष करना चाहती है। इस रिपोर्ट में कंपनी द्वारा जिंक अयस्क को रोस्ट करने और सल्फ्यूरिक एसिड बनने के बीच की प्रक्रिया में मरकरी रिमूवल सिस्टम यानी कि कैलोमल प्रोसेस का ब्यौरा बताया गया। शोधकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता महावीर सिंह तवर ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तवर ने सवाल उठाया कि आखिर हिंदुस्तान जिंक के विभिन्न प्लांटों से निकलने वाला पारा कहां जा रहा है। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में माना कि पूर्व में हो रहा था 22 टन प्रति वर्ष सॉलिड वेस्ट के रूप में मरकरी का उत्पादन, जिसे इस एक्सपोशन के बाद शून्य कर दिया जाएगा। 2019 में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में चंदेरिया जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है चित्तौड़गढ़ में, उसने एक फाइल लगाई कि हम जो है हमारा एक्सपांसन करना चाहते हैं प्लांट का। अभी उन्होंने 2019 से पहले जो उनका प्रोडक्शन था वो था 4,00,000 टन प्रतिवर्ष, अब वो इसको बढ़ाकर 5,00,000 टन प्रतिवर्ष करना चाहते हैं। इसमें जिंक की स्मेल्टिंग होती है, मतलब जिंक को प्रोसेस करके अलग किया जाता है माइन से जो खनिज निकलते हैं उनसे, इसके अंदर वो उसको जो है एक्सपांसन करना चाहते हैं और 5,00,000 टन से ज़्यादा का वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि अब हम जो है जिंक स्मेल्टर के साथ में जो पारे को भी जो है सेपरेट करने का एक प्रोसेस लगाएंगे, उसका उन्होंने प्लान उसमें पेश किया है। 2019 में उन्होंने फाइल लगाई, जिसमें उससे पहले जो है वो कोई सेपरेशन पारे का नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि जो जिंक के साथ में सल्फ्रिक एसिड निकलता है उस सल्फ्रिक एसिड में पारा जाता है। सल्फ्रिक एसिड जो है वो खाद और उर्वरक बनाने काम में आता है, सीमेंट प्लांट्स में जाता है। हिंदुस्तान जिंक की अधिकृत वेबसाइट पर जारी आंकड़ों में स्पष्ट है कि चंदेरिया प्लांट से 0.6 मिलियन एवं देवारी प्लांट से 0.3 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार 1.5 मिलियन टन अर्थात 15,00,000 टन सल्फ्यूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है, जिसको वाणिज्यिक उपयोग हेतु सीमेंट, केमिकल, खाद एवं उर्वरक आदि कारखानों को बेच दिया जाता है। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड में घुलकर हम तक पहुँच रहा है घातक पारा। इन सवालों के चाहिए जवाब। अंतर्राष्ट्रीय मीनामाटा संधि में भारत द्वारा किए गए करार के तहत क्या वर्तमान में भारत को पारा मुक्त बनाने की पहल पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? पर्यावरण विभाग को सौंपी गई प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद हिंदुस्तान जिंक द्वारा पारे के जीरो डिस्पोजल की बात स्वीकार की है। चंदेरिया प्लांट से प्रतिवर्ष निकल रहा मर्क्यूरस क्लोराइड कहां गया? क्या प्लांट पर लगा मरकरी रिमूवल सिस्टम सही काम कर रहा है? मर्क्यूरस क्लोराइड किसे बेचा जाता है? देवारी दरीबा में जहां एक सिस्टम नहीं लगा हुआ है, वहां से निकलने वाला पारा आखिर कहां जा रहा है? पारे का शोधन नहीं किया गया तो पारे के वाष्पीकृत होने पर वायु प्रदूषण होगा, और यदि पारा वेस्ट वाटर में प्रवाहित कर दिया जाए तो जल प्रदूषण होगा, और यदि सल्फ्यूरिक एसिड में रह जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले उत्पादों में अपनी उपस्थिति दर्शाएगा, उन उत्पादों के जरिए मानव जीवन में प्रवेश कर जाएगा। क्या इन परिस्थितियों में राज्य सरकार या फिर केंद्र की सरकार बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खानों, स्मेल्टर्स, प्रोसेसिंग यूनिटों के आसपास स्थित कुआं, तालाबों, नदी नालों के पानी का और वहां की हवा में पारे की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जांच करवाएगी? जिन जिन कारखानों में, जैसे सीमेंट, खाद एवं उर्वरक कारखानों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई की जाती है, क्या वहां के उत्पादों में पारे की उपस्थिति का पता लगाने के लिए राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा परीक्षण करवाए जाएंगे? यदि इस मामले में कंपनी के दबाव में राज्य सरकार, केंद्र की सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठाती है, तो क्या जागरूक नागरिकों को मानव जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए इस मामले को NGT, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।